हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कराची सीबीयू पर कत्ल नौजवान के केस में नया ट्विस्ट। मकतूल जाफर की गाड़ी की टक्कर से जख्मी डॉक्टर रहीम पहले से गिरफ्तार, खाबर का साथी निकला। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से डॉक्टर रहीम की डबल केबिन गाड़ी बरामद कर ली। मजीद तहकीकात के लिए मरकजी मुलजिम खाबर का दो रोजा जिस्मानी रिमांड भी हासिल। केस में ATC की दफात शामिल न करने से कई सवाल खड़े हो गए। फैजाबाद धरना मुआहदे की एक शिक भी कानून के मुताबिक नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। धरना कायदीन और हुकूमत का मुआहदा गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने कहा कि दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमा कैसे खत्म किए जा सकते हैं। जख्मी पुलिस अहलकारों से मुतालिक फैसले का हक रियासत को किसने दिया? जब तक पुलिस वालों की दादरसी नहीं होती ये मुकदमा खत्म नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन और हुसैन नवाज इश्तिहारी करार, दोनों के खिलाफ शहादतें रिकॉर्ड करने का अमल भी शुरू। नवाज शरीफ की एक हफ्ते के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। मरियम नवाज की दरखास्त मुस्तरद। इसहाक डार को इश्तिहारी करार दिया जाए या नहीं, एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब रेफरेंसेज यकजा करने की नवाज शरीफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत को ट्रायल जारी रखने का हुक्म। अदालती फैसलों पर तनकीद करने वाले नवाज शरीफ का एक और तंज। सहाफी के सवाल पर बोले, लगता है इमरान खान और जहांगीर तरीन केस में मुझे ही नाअहल किया जाएगा। मुझे लगता है कि इमरान खान के फैसले में और जहांगीर तरीन के फैसले में भी मुझे ही नाअहल किया जाएगा। 2018 का नशीर ने वादा किया था, वादा खिलाफी की है। पंजाब हाउस में कारकुनान से मुलाकात में भी यही लहजा अपनाया। कहा कि 2018 का वादा करके 2017 में लोड शेडिंग खत्म करके वादा खिलाफी कर दी, इसीलिए मैं सादिक और अमीन नहीं रहा। अपना मौजना मेरे साथ ना करो। अपना मौजना अगर किसी से करना है तो सुल्ताना डाकू से करो। नवाज शरीफ अपना मुवाजना सुल्ताना डाकू के साथ करें, उनका नजरिया इलेक्शन में धांधली करना और पैसे खिलाकर इख्तदार में आना है। इमरान खान के लैया में लीगी क्यादत पर वार, हुकूमत में आकर गवर्नर हाउस लाहौर की दीवारें गिरवाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी कल इस्लामाबाद में पावर शो के लिए तैयार। बिलावल भुट्टो कहते हैं 3 बार वजीर आजम बनने वाले नवाज शरीफ अब और क्या चाहते हैं, उन्हें सियासत से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। He should think about his party, think about Pakistan का democracy और retire ही हो। मैं साथ हूँ इमरान खान के। तरीके साफ जीतेगी। मैंने कहा ये बच्चों वाली बातें हैं। बागी का पंजाब हाउस में वालेहाना इस्तकबाल। जावेद हाशमी की साबिक कायद से मुलाकात, नवाज शरीफ ने गले लगा लिया। जावेद हाशमी ने कहा, ये वक्त आपके हाथ मजबूत करने का है, लगता है अपने घर वापस आ गया हूँ। मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ पहली मोहब्बत की तरह हैं, जो उन्हें जानता है वो उनसे कम पर राजी नहीं होता। नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून की मजलिस आमला का पहला इजलास। आम इंतखाबात के लिए हिकमत अमली की तैयारी का आगाज।
قیادت نے وزیر اعظم کو سیاسی جماعتوں سے رابطوں کا ٹاسک دے دیا. دو باغی اراکین اسمبلی میر ظفر اللہ جمالی اور رضا حیات حراج کے خلاف تادیبی کارروائی کا بھی اعلان. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں سے آگاہ ہیں. مثبت و مسلسل تعلقات کے لیے مشترکہ راہ تلاش کرنی ہے. امریکی وزیر دفاع کی وزیر اعظم اور دیگر حکام سے ملاقات میں گفتگو. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بولے پاک امریکہ طویل مدتی تعلقات اہمیت کے حامل ہیں. افغانستان میں امن کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا. ملاقات کا اعلامیہ جاری. سندھ میں عوام کو پینے کے غیر معیاری پانی کی فراہمی پر سپریم کورٹ برہم. وزیر اعلی مراد علی شاہ عدالت میں طلب. انسانی جانوں کو خطرات لاحق ہیں، خاموش نہیں رہ سکتے. چاہتے ہیں کہ جس نے عمل درآمد کرنا ہے وہ خود موجود ہو. چیف جسٹس ثاقب نثار کے ریمارکس. کہا کہ محمود آباد میں 50 ایکڑ زمین کیسے الاٹ کی. سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال بھی عدالت میں آ کر جواب دے. ملوال میں محنت کش کم سن طالب علم کا ریپ کے بعد بہیمانہ قتل. پولیس ایک ہفتے بعد بھی 9 سالہ علی رضا کے قاتلوں کو گرفتار نہ کر سکی. والدین کا وزیر اعلی پنجاب سے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ. نہ ساڈے گھر آٹا، نہ کوئی چاہ واسطے، نہ کوئی گھر جانا سبزی واسطے. اسی کدھر گیا تھا فلاؤنے، اسی محنت کرن کا لیا. کوئی اسی چوری نہیں دسی، کوئی بے ایمانی نہیں دسی. بچے نے روزی کماؤن گیا تھا، درندیاں نہ نہیں آن دیتا. یمن میں حوثی باغیوں کا سابق صدر علی عبداللہ صالح کے گھر پر حملہ. باغیوں کی کارروائی میں علی عبداللہ صالح جاں بحق ہو گئے. ڈاکٹر رتفاو کی خدمات کے اعتراف میں پاکستان پوسٹ کا اعزازی ٹکٹ جاری. یادگاری ڈاک ٹکٹ کی قیمت 8 روپے مقرر کی گئی ہے. گجرات میں خاتون نے بیک وقت 4 بچوں کو جنم دے دیا. بچوں میں 1 لڑکا اور 3 لڑکیاں شامل. گھر میں خوشیوں کی بہار، سب نہال. السلام علیکم ناظرین، آج 9 بجے کے ساتھ میں ہوں آسما اقبال. میں ہوں ارباب جہانگیر. بلٹن کا آغاز کریں گے ظافر کے قتل کے ملزم خاور برنی کے ویڈیو بیان سے، جس میں خاور نے ظافر پر فائرنگ کا اعتراف کر لیا ہے. اس کا کہنا ہے کہ ظافر نے سائیڈ ماری جس پر میں نے فائرنگ کر دی. مرکزی ملزم نے یہ بھی بتایا کہ اس کے ساتھ گاڑی میں چھوٹے بھائی بھی موجود تھے. ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے ہیں کہ ملزم خاور نے ظافر پر فائرنگ کا اعتراف کر لیا ہے، اور اس نے کہا کہ ملزم نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے فائرنگ اس لیے کی تھی کہ ظافر نے اسے سائیڈ ماری تھی اور اس پر اس نے فائرنگ کر دی، اور ساتھ ہی ساتھ جب اس نے فائرنگ کی تو گاڑی میں اس کے چھوٹے بھائی بھی موجود تھے. فائرنگ کی تھی آپ نے؟ ہاں، جب اس نے گاڑی ماری تو اس کو اور میری گاڑی میں تھے. کتنے لوگ تھے آپ کے ساتھ؟ آپ قبول کرتے ہیں آپ نے غلطی کی ہے؟ اوکے. ویڈیو بیان آپ دیکھ رہے ہیں، ظافر کا ویڈیو بیان، ظافر خاور برنی کا ویڈیو بیان ہے جس میں اس نے اعتراف کیا کہ فائرنگ اس نے کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ گاڑی میں اس کے بھائی بھی موجود تھے. ویڈیو بیان اب یہ سامنے آ چکا ہے اور اس کا اعتراف بھی سامنے آ چکا ہے، جس میں واضح طور پر ملزم کی جانب سے کہا گیا کہ ظافر نے اس کو سائیڈ ماری تھی اور سائیڈ ماری جس پر میں نے فائرنگ کی، اور اس فائرنگ کا اعتراف اب ملزم کی جانب سے کر لیا گیا. کیا کہا اس نے اس ویڈیو بیان میں، ایک بار پھر آپ کو سنواتے ہیں. فائرنگ کی تھی آپ نے؟
आया, उसने गाड़ी मारी तो उसको मेरी गाड़ी में। कितने लोग थे आपके पास? मैं और मेरे भाई। आप तब्दील करते हैं, आपने गलती की है? बस दो आदमी हो गया, टायर में कटा था, उसने जब साइड मारी ना, मैं जो पीछे ओके मेरी गाड़ी को साइड मारी गई और इसी पर मुझे इश्तियाल आया, मुझे गुस्सा आया और मैंने जाफर पर फायरिंग कर दी, ऐसा कहना है खावर बर्नी का। इसी बारे में हमारे साथ हम बात करेंगे, कानूनी पहलू भी आपको बताएंगे, लेकिन जाफर कत्ल केस हमारे कानूनी निजाम के लिए नाज़रीन एक बहुत बड़ा टेस्ट केस बन चुका है। 18 साल जाफर के कत्ल का मुल्ज़िम खावर को गिरफ्तार, दहशतगर्दी शामिल नहीं की, क्या केस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, क्या माजी की तरह इस बार भी एक रईस ज्यादा बरी हो जाएगा? जाहिर कत्ल केस से मुतालिक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जाफर कत्ल केस एक बार फिर टेस्ट केस बन गया। अमीर बाप का बिगड़ा रईसज़ादा क्या सजा हो पाएगी? तालिबे-इल्म जाफर के कत्ल का मरकजी मुल्ज़िम खावर साथियों समेत गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन पुलिस ने मुकदमे में इंसदादे दहशतगर्दी की दफा शामिल ही नहीं की। क्या एटीसी दफा शामिल ना करके मुकदमे को कमजोर बनाया गया है? कई सवाल गर्दिश में हैं। मक्तूल के मामू को भी मुकदमे पर एतमाद नहीं। आगे कोर्ट में भी और हायर सर्विस पुलिस में भी परसों का कर रहे हैं, केस में 780 जो है वो इस केस में लगाए जाए। गुज़िश्ता रोज रईसज़ादे खावर ने फायरिंग करके तालिबे-इल्म जाफर को कत्ल कर दिया था। वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि मुल्ज़िम खावर की डबल केबिन मक्तूल जाफर की गाड़ी का पीछा कर रही है। पुलिस अदालत से मुल्ज़िमान का 2 रोजा रिमांड भी ले चुकी है। नाज़रीन गुज़िश्ता रोज़ सी वी यू पर कत्ल होने वाले जाफर को आहों और सिसकियों में सपुर्द खाक कर दिया गया है। उनके जनाजे में शरीक हर शख्स अश्कबार दिखाई दिया। अमीरज़ादों के हाथों एक और बेगुनाह कत्ल, 18 साल जाफर को सुपुर्द खाक कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ सीवीयू पर कत्ल होने वाले जाफर की नमाज़े जनाजा डिफेंस की सुल्तान मस्जिद में अदा की गई। इस मौके पर मक्तूल के दोस्त, रिश्तेदार और घर वाले गम से निढाल नजर आए। तो कंप्यूटर का पेपर उसने मेरे साथ दिया था, तो अच्छी बातचीत करता था, एग्रेसिव नहीं था, बिल्कुल फ्रेंडली हर चीज़। यकीन नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा। एकदम न्यूज़ आई कि ना इस तरह का हुआ, मैं पहले यकीन नहीं आया, उसके बाद जब मैंने उसकी पिक्चर देखी, मैंने फिर सर्च करा सोशल मीडिया पे जाके, बहुत मेरे मुझे बहुत अफसोस आया। मतलब इवन मैं भूल गया कि मेरा आज पेपर है, सारे दिमाग से निकल गया था। जाफर को आहों और सिसकियों के साथ डिफेंस के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जंगल के कानून की तरह मुल्क में अमीरज़ादों के हाथों लोगों का कत्ल कोई नई बात नहीं, तहम हर बार कत्ल की खबर में किस्सा जरूर नया होता है। आईजी ख्वाजा भी नौजवान तालिबे-इल्म के अहले खाना को इंसाफ दिलाने के लिए मैदान में आ गए हैं। कहते हैं मुल्ज़िमान कितने ही बासर क्यों ना हो, कानून के कटहरे में जरूर लाएंगे। जब ये इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट के तकरीबन 2 घंटे के अंदर ही न सिर्फ पुलिस ने वो गाड़ी ट्रेस कर ली कि किस गाड़ी ने फायर किया था, क्योंकि उस वक्त ये नहीं पता था कि किसने फायर किया है। वहां पर मौजूद कैमराज की मदद से गाड़ी आइडेंटिफाई हुई, मुल्ज़िमान तक पुलिस पहुंची, मुल्ज़िमान अरेस्ट हुए, वेपन ऑफ अफेंस रिकवर हुआ और जो उसमें दफात लगी हैं उसको जरूर मैं आजाद खान साहब बैठे हैं यहाँ पर और हम उसको देखेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि कोई चाहे कितना ही बासर क्यों ना हो और ये मुकदमा इंशाल्लाह मेरिट पे फाइनलाइज होगा। हमने इस कत्ल की अंधोनाक वारदात पर कानूनी सूरत हाल जानने के लिए सत्राबिता किया है मारूफ कानूनदान ख्वाजा नवीद साहब से। खाना साहब कहिएगा, जाफर कत्ल केस में इंसदादे दहशतगर्दी की दफा क्यों शामिल नहीं की गई है, क्योंकि ये तो सरेआम ये वाकया हुआ था, कई लोग वहां पर मौजूद थे, और क्या ये दुरुस्त है कि बाद में ये दफात शामिल की जा सकेंगी इस केस में? बाद में की जा सकती है। बैरिस्टर फवाद मलिक दायर केस था जो मोहम्मद या सुमरों के भांजे हैं इस्लामाबाद में, तो उनको भी इसी तरह शाहरा के ऊपर थाने के सामने ब्रूटली मर्डर कर दिया था, मार के 6 बंदों ने, 5 बंदे जितने भी थे, तो उसने भी उस वक्त के SHO ने दफा 7 नहीं लगाई थी, तो उन्होंने कहा जी कि हमने लीगल एडवाइस सीख की है,
बहरहाल वो एक दिन के बाद उनको लीगल एडवाइस भी मिल गई। ठीक, खैर साहब, मुलजिम खावर के साथ उसके कम उम्र भाई भी जेरे हिरासत हैं, बताइएगा इस सिलसिले में कानून क्या कहता है, क्या उन्हें भी सजा होगी सिर्फ साथ होने की बिना पर? नहीं, सजा का तो बात की बात होती है, अभी तो ये है कि देखिए कम उम्र जो बच्चा है सेक्शन 18 के तहत जुवेनाइल एक्ट है हमारा, तो उसमें उस बच्चे को बेल तो मिल जाएगी लेकिन उसको सजा हो सकती है, लेकिन बच्चा जो होता है उसको सजाए मौत नहीं होती, उसको इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ या लेसर पनिशमेंट होती है। अच्छा सैयद, जो बच्चे हैं उन्हें तो सजाए मौत नहीं होगी लेकिन सजा दी जा सकती है, लेकिन जो मरकजी मुलजिम है इसके साथ और लोग भी मौजूद थे जो बच्चे नहीं थे, जवान लोग थे, उनके बारे में क्या कहता है कानून ख्वाजा साहब? जुर्म करने से फर्क थोड़ा सा पड़ जाता है, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है, लेकिन इस तरह नहीं होता कि एक आदमी के एतराफ जुर्म करने की से दूसरा आदमी छोड़ दिया जाए। ठीक है ख्वाजा साहब, आपका एक बड़ी खबर आ रही है, खबर यह है कि HBL जरा ये कह रहे हैं कि मुल्क में एक हैकिंग ग्रुप ऐसा है ATM मशीनों के जरिए बैंक के डेबिट कार्ड्स हैक कर रहा है। इस ग्रुप ने इस्लामाबाद और कराची के ATMs को इस्तेमाल किया है और मुतअद्दिद डेबिट कार्ड्स हैक करके आवाम के करोड़ों रुपए लूट लिए हैं। हैक किए गए डेबिट कार्ड्स में HBL के भी 600 से ज्यादा कार्ड शामिल हैं। अगर आप ATM यूजर हैं, डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो आपके लिए बड़ी अहम खबर है, चौंका देने वाली खबर है कि एक ग्रुप ऐसा आ चुका है पाकिस्तान के अंदर जो ATM मशीनों के जरिए बैंक्स के डेबिट कार्ड्स को हैक कर लेता है और हमारे आपके यानी आवाम के अकाउंट्स में से करोड़ों रुपया जो है वो निकाल रहा है, करोड़ों रुपया लूट रहा है। और आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे डेबिट कार्ड जो यूज किए गए हैं, जो हैक किए गए हैं, उनमें ज्यादातर कार्ड बताए जा रहे हैं कि HBL बैंक के थे। अब बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिसने फैजाबाद धरना रहनुमाओं से हुकूमत के मुआहदे को गैर कानूनी करार दे दिया है। अदालत ने कहा है कि मुआहदे की एक शिक भी कानून के मुताबिक नहीं, धरना कायदीन तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, फैजाबाद धरना कायदीन से हुकूमती मुआहदा गैर कानूनी करार, पुलिस को इंसाफ मिलने तक मुकदमे की कार्रवाई जारी रखने का फैसला। फैजाबाद धरने से मुतालिक केस की समाप्त हुई, इंटेलिजेंस ब्यूरो और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने ऑपरेशन की नाकामी से मुतालिक रिपोर्ट्स अदालत में पेश की। जस्टिस शौकत सिद्दीकी का कहना था कि दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात कैसे खत्म किए जा सकते हैं, अदालत हुकूमत और धरना मुजाहिरीन के दरमियान होने वाले मुआहदे की तौसीक नहीं करेगी। जख्मी पुलिस अहलकारों से मुतालिक फैसले का हक रियासत को किसने दिया? अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जब तक पुलिस अहलकारों की दादरसी नहीं होती मुकदमा खत्म नहीं होगा। अदालत ने मजीद कहा कि धरना कायदीन तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, खत्म नब्बत की बात करने वाले मसाजिद और मदारिस से कुफर के फतवे बंद कराने का भी एहसान कर दें। अदालत ने कानूनी हैसियत परखने के लिए मुआहदे को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में लाने की तजवीज भी दी। अटॉर्नी जनरल अशरफ आसाफ ने तजवीज की मुखालफत की और वक्त मांगा। अटॉर्नी जनरल ने राजा जफरुल हक की रिपोर्ट अदालत में पेश करने की यकीन दहानी भी कराई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस की मजीद समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। और न्यूज शो में अभी हम शामिल करेंगे हमारी अब तक की एक और हेडलाइन स्टोरी, जो है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुतालिक, जिन्होंने कहा कि उन्हें ये लगता है कि इमरान खान और जहांगीर तरीन केस भी उन्हें ही नाअहल करार दिया जाएगा। एहतसाब अदालत में पेशी के वक्त मीडिया के सवालों के हल्के फुल्के अंदाज में जवाब दिए। उन्होंने पंजाब हाउस में कारकुनान से गुफ्तगू में अदालती कार्रवाई को मुस्कुराते हुए निशाना बनाया। शरीफ खानदान की पेशियों पर पेशियां, नवाज शरीफ ने अपना लिया अंदाज तंजिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद जैसे ही नवाज शरीफ बाहर निकले, सहाफियों ने मियां साहब को देखते ही सवालात की बौछार कर डाली। तहम नवाज शरीफ ने तमाम सवालों के जवाब एक फकरे में देकर दरिया को जैसे कूजे में कैद कर दिया। बोले, इमरान खान और जहांगीर तरीन केस में मुझे ही नाअहल किया जाएगा। मुझे लगता है कि इमरान खान के फैसले में
बहुत जागीर तरीन के फैसले में भी मुझे ही नाइल कर किया जाएगा। पंजाब हाउस पहुंचे तो वहां भी तंस के खूब तीर चलाए, कारकुनों को बताया 2018 का वादा करके 2017 में लोड शेडिंग खत्म करके वादा खिलाफी कर दी, इसीलिए मैं सादिक और अमीन नहीं रहा। 2018 का नशे ने वादा किया था, वादा खिलाफी की है। साबिक वजीर आजम ने कहा कि अगर करप्शन या सरकारी खजाने में खुर्द बुर्द पर फैसला आता तो सर शर्म से ना उठाता, लेकिन मेरे खिलाफ फैसला अकामे पर दिया गया। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की नैब रेफरेंसेस यकजा करने से मुतालिक दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने फैसले में अलग अलग रेफरेंसेस पर ट्रायल जारी रखने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, नवाज शरीफ की नैब रेफरेंस यकजा करने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने फैसले में लिखा कि एहतसाब अदालत में दायर नैब के रेफरेंसेज यकजा नहीं हो सकते, एहतसाब अदालत नवाज शरीफ का ट्रायल जारी रखे। नवाज शरीफ ने नैब की जानिब से एहतसाब अदालत में पेश किए जाने वाले 3 रेफरेंसेज को यकजा करने और 1 फर्द जुर्म आयद करने के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसमें मौकिफ अपनाया गया था कि लंदन फ्लैट्स, अजीजिया मिल और फ्लैगशिप रेफरेंसेस के गवाहान मुश्तरक हैं, मफरूजों की बुनियाद पर अलग अलग रेफरेंस दायर किए गए हैं, उन्हें यकजा किया जाए। और कुछ बात कर लेते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिन्होंने एक बार फिर नवाज शरीफ को मशवरा दिया और कहा कि जमहूरियत और खुद नून लीग के लिए बेहतर है कि नवाज शरीफ सियासत से रिटायरमेंट ले लें। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में की। मियां नवाज शरीफ साहब को एडवाइस किया है कि जहाँ तक इदारों हैं आप अपना स्टांस को रिवाइज कर दें। साहब ने 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है और अभी वो और क्या चाहता है सियासत? इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, मुस्लिम लीग नून के लिए बेहतर होगा। Should think about his party, think about Pakistan ka democracy, or retire. He hoga. Quality of law ka baat keh raha hai ki agar mere saath kuch hua hai, to phir PTI ka jaangi tareen ya dusre logon par hoga. Wo to bilkul durust baat. एहतसाब अदालत ने हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। इस आबदार को इश्तिहारी करार देने का फैसला महफूज कर लिया गया, जो 11 दिसंबर को सुनाया जाएगा। साबिक वजीर आजम के बेटों के गिर्द कानून का घेरा तंग होने लगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हसन नवाज और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दे दिया। दोनों भाई 2 मुकदमात में मफरूर हैं। तहम अदालती हुकुम के बाद अब हसन और हुसैन नवाज इश्तहारी दर्जे वाले ऐलानिया मुजरमों की फहरिस्त में शामिल हो गए। मुकदमे में शहादतें कलम बंद करने का अमल भी जारी रखा जाएगा। दोनों के पाकिस्तान में असासों को मुंजमित करके कर्क करने का अमल भी जेर इल्तबा है। दूसरी जानिब इसहाक डार के खिलाफ नाजायज असासे बनाने के मुकदमे की अलहदा समाअत हुई। अदालत ने वकील की जानिब से लंदन वारंट्स न भेजने और मेडिकल रिपोर्ट की तस्दीक न कराने के हवाले से तहफुजात को सुना और इसहाक डार को इश्तहारी मुलजिम करार देने पर भी फैसला हो गया है। तहम ये फैसला 11 दिसंबर को सुनाया जाएगा। नैब ने ये रेफरेंसेज सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई के फैसले की रोशनी में नैब अदालत भेजे थे। इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ अपना मुवाजना मेरे साथ ना करें, वो अपना मुवाजना सुल्ताना डाकू के साथ करें। लैया में जलसे से सामने इमरान खान का कहना था कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात में कामयाब हुई तो 4 नुकात पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी और कौम खुशहाल हो जाएगी। अपना मुवाजना मेरे साथ ना करो, अपना मुवाजना अगर किसी से करना है तो सुल्ताना डाकू से करो, फिलीपींस के मार्कोस से करो जो अपनी कौम का लूट के पैसा बाहर ले गया, या वो गद्दाफी से करो जिसके बच्चे ने अरबों डॉलर लीबिया का लूट के बाहर ले गया, या शाह ईरान से करो जिसने ईरान का पैसा लूट के बाहर ले गया। मेरे से तुम क्या कर रहे हो? नवाज शरीफ नजरिए का नाम है। नवाज शरीफ का नजरिया ये है कि इलेक्शन में धांधली करो, सबको पैसे खिलाओ, इलेक्शन कमीशन को पैसे खिलाओ, रिटर्निंग ऑफिसर को पैसे खिलाओ, अपने साथ सारे वजीर भी बना लो जिन्होंने इनकी तरह ही काम में लिए हो। सारा करप्शन का माफिया,
सब मिलके इस मुल्क से पैसा, आपका पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते। महमूद खान, तुमने तो पश्तूनों को ही शर्मिंदा करवा दिया अपनी हरकतों से। इंसाफ की हुकूमत आई तो मेरी सबसे पहली नजर है लाहौर के गवर्नर हाउस की दीवारों पे, बुलडोजर खड़े होंगे और वह दीवारें गिर रही होंगी,